इट्स 3 o'clock इन मिडनाइट, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। रात को 11 बजे एकता कपूर का वीडियो अपलोड कर दिया था और उसके बाद में सोने के लिए गया था लेकिन सो नहीं पाया मैं। एक्चुअली आई एम शॉक कि इंसानियत पूरी ख़त्म हो गई है। इतनी क्रूरता, इतनी नफरत, आप अनार के फल में पटाखे डाल के आप हथनी को अपवा रहे हो, हाथी को अपवा रहे हो। हाथी ने, हथनी ने इंसानों के ऊपर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की। वो भी क्या करती, बेचारी भूखी थी, खा लिया। उसको क्या मालूम था कि सामने राक्षस है। केरल सबसे एजुकेटेड स्टेट है। केरल, केरल में इसी घटना की उम्मीद ही नहीं थी मुझे। एक्सप्लोजिव होने के बाद में भी हथनी कई किलोमीटर नदी तक पहुंची, नदी में आके खड़े खड़े अपने प्राण त्याग दिए। इतनी क्रूरता, इतनी नफरत, और अभी तक तो गवर्नमेंट से छोटे मोटे केस धारा वगैरह ही बुक कर रही है अभी। ऐसे लोगों को पकड़ के गोली मार देनी चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। वो बेजुबान जानवर आपका क्या बिगाड़ा था? मैं आंख बंद करता हूँ, बस वही इमेज आंखों के सामने आ जाती है। केरल में ये पहली घटना नहीं है। केरल में इससे पहले एक और घटना हुई थी, एक गर्भवती बिल्ली को फांसी लगा के मार दी थी। एक गर्भवती बिल्ली को, कैट को फांसी लगा के कुछ लड़कों ने उसको मार दिया था। उससे पहले कोई 2 मुट्ठी चावल चुरा लिया था तो उस लड़के को कितना आप लोगों ने वहां मार दिया था। केरल में पढ़े लिखे लोग नहीं है, केरल में गंवार लोग हैं, केरल में इंसानियत नहीं है। दिमाग खिल गया, दिमाग। उन दोषियों को पकड़ के कार्रवाई शारवाई तो नहीं करनी चाहिए, उनको पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। ये कार्रवाई का ड्रामा, फिर बेल शेल, ये नौटंकी होगी, ये नौटंकी से अच्छा है वो सबको शूट आउट कर देना चाहिए। ना कभी ना ही सुनी, ना ही कभी देखी थी, होती होंगी क्योंकि लोग, इंसानियत बहुत कम आजकल लोगों में, पानी के अंदर तड़प तड़प के मर गई यार। वो भूखी थी, वो भूखी थी इसलिए इंसानों का ट्रस्ट कर लिया उसने। वाज हंगर, शी डिड ए मिस्टेक, शी बिलीव्ड ह्यूमंस। ये फटाके भी, इतने फटाके भर दिए उसके मुंह में, उसका मुंह फट गया, उसकी जीभ उसकी कट गई, जीभ उसकी बाहर आ गई। ये जो कोरोना वायरस है, ये जानवरों के लिए एक एंटीबायोटिक है, ये इंसानों के लिए वायरस है कोरोना वायरस, बट ये जानवरों के लिए ये एंटीबायोटिक है। जितने भी जानवर, ये लोग प्रे करेंगे कि कोरोना कभी ख़त्म नहीं हो, और जानवर क्या, हम जैसे इंसान भी प्रे करेंगे कि ये कोरोना ख़त्म नहीं हो और ये ऐसी जगह ये आके हमेशा रहे, जहाँ जहाँ ये ऐसी घटना होती है तो एटलीस्ट प्रगति इनको पनिश करे, नेचर इनको पनिश करे। ऐसी ऐसी घटना हो रही है 2020 में, फिर भी इंसानों को अक्ल नहीं आ रही। वी आर एट लास्ट स्टेज, हम सब नेचर डिजास्टर के लास्ट स्टेज में हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एवरी साइकिल हैज ए एंड एंड वी आर एट एंड। आफ्टर एवरी 100 ईयर्स कुछ ना कुछ डिजास्टर होता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती है, कुछ ना कुछ एटमोसफियर चेंज होता है जिसमें कई लोग मरते हैं। ये नेचर का रूल है, और जैसा इंसान, अगर ऐसी घटना अगर इंसान करते रहेगा तो नेचर विल नेवर फॉरगिव अस। आई एम श्योर, डैम श्योर, दिस मानसून विल हिट वेरी बैडली टू केरला। लास्ट ईयर के मानसून से अभी तक आप लोग बाहर नहीं आए थे, लेकिन जैसे ये इंसिडेंट वहां पे हो रहे हैं, ये दिस ईयर मानसून भी आपको सफर करना होगा। आपको नेचर ही, जो भले लोग हैं वो सब बच जाएंगे, उनको कोई लॉस वॉस नहीं होगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेचर को चैलेंज करते हैं, नेचर के अगेंस्ट में जाते हैं, दोज पीपल विल सफर ए लॉट इन 2020। दे विल सफर, एंड जिसका मन साफ है, जिसकी नीयत साफ है, वो लोग डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। आई एम डैम वरीड यार,
इस फूलिश, इतनी बेकार घटना। हमको जस्ट उसको सुन के, उसको देख के हमको नींद नहीं आ रही। मैं वीडियो अपलोड करके मैं जाके सो गया था, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, फिर नहीं यार एक राउंड जाते हैं, ये वीडियो मेरे को सुबह किसी भी हालत में मेरे को लोड करना, अपलोड करना है यार। केरल के मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, सब इतने प्यारे लोग हैं, इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत जगह है, वहां पे ऐसे लोग। केरल हमेशा मेरे, मैंने एक यहाँ पे उसको एक रैंक देकर रखा था कि यार बेस्ट स्टेट है, बेस्ट एजुकेशन में नंबर 1 है, एजुकेशन फुल एजुकेशन पॉपुलेशन है, एंड नेचर के साथ में लोग, एंड नेचर के साथ में लोग फुल कनेक्टेड है। वहाँ पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो रियली आई एम सॉरी टू से दिस, कोरोना इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक फॉर एनिमल्स। जहाँ जहाँ ऐसी घटना होगी वहाँ वहाँ कोरोना होगा, कोरोना विल नेवर एंड इन दोस प्लेस। स्मॉल सब बेबी है, बेबी एलिफेंट, स्मॉल सब बेबी एलिफेंट, उसकी माँ की आप हालत देखो, हथनी की, एलिफेंट की आप हालत देखो। लास्ट में उसको यही है कि मैं कैसे तैसे आके सर्वाइव कर लूँ, मैं कैसे तैसे आके मैं जिंदा रह जाऊँ, कैसे तैसे मैं आके अपने बच्चे को बचा लूँ। मैं अगर मर जाऊँ तो भी कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। एंड ऑफ द डे मदर इज मदर, शी ट्राइड लॉट्स टू सेव द स्मॉल बेबी एलिफेंट विच वॉज नॉट कम्प्लीटली एस्टेब्लिश्ड, फिर भी वो भावना उसमें थी। मुंह जल रहा है, मुंह से खून आ रहा है, फिर भी पानी में जाके, पानी से वो अपना प्यास, अपनी जलन को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जानवर है, कितना कंट्रोल करेगी? जब तक फर्स्ट एड मिलता या जब तक प्रशासन को इसकी जानकारी मिलती, तब तक तड़प तड़प के मर गई। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट शुड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दोज कल्प्रिट्स, उनको पकड़ के अरेस्ट वेस्ट नहीं करने का है, उनको डायरेक्ट ठोक देने का है, उनको डायरेक्ट शूट करने का है। शूट एट साइट फॉर किल, टू किल। शूट, उनको शूट करेंगे तो 10 लोगों को अक्ल आएगी, 10 को शूट करेंगे तो 100 को अक्ल आएगी, और जिस दिन 100 को हम शूट कर देंगे पूरे इंडिया को अक्ल आ जाएगी। ऐसे क्राइम्स, ऐसे ये एनिमल्स, ये वायलेंस, ये रेप, ये चोरी डकैती, ये सब बंद हो जाएंगे जिस दिन हम पब्लिक के सामने हम अगर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी घटना पर एक फुल स्टॉप लग सकता है। अभी जो लास्ट ईयर आई थिंक हैदराबाद का रेप केस था, आई रियली अप्रिशिएट दोस पुलिस टीम, नो FIR, नो अरेस्ट, सालों को वहीं पे लेके गए, वहीं पे ठोक दिया सालों। लेट्स प्रे फॉर दैट एलिफेंट, रेस्ट इन पीस, लेट गवर्नमेंट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दोस कल्प्रिट्स। बेटर उनको ठोक देना चाहिए, बेटर।